तो श्रीलंका में हालात जस के तस बने हुए हैं। आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा लगातार ग्राउंड जीरो से अपडेट दे रहे हैं। कोलंबो में इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं, ये आशुतोष की इस रिपोर्ट पे देखिए। कहा तो उम्मीद थी कि 13 जुलाई को श्रीलंका में शांति व्यवस्था पटरी पर लौटेगी जब राष्ट्रपति का इस्तीफा होगा, लेकिन 24 घंटों के घटनाक्रम में पूरी तस्वीर ही बदल दी। अब तक जहां पर सिर्फ राष्ट्रपति दफ्तर, राष्ट्रपति का घर, प्रधानमंत्री के घर पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा था, तो कल की झड़प के बाद प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री कार्यालय में भी पहुंच गए। और आज सुबह की तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये पीएमओ की है, प्रधानमंत्री कार्यालय की कोलंबो में। अब यहां कल प्रदर्शनकारी जब पहुंचे, आज उनका यहां पर भी जमावड़ा है। प्रधानमंत्री कार्यालय के लॉन में तमाम सारे लोग यहां पर बैठे हुए हैं, और ऐसा नहीं कि सुरक्षा व्यवस्था यहां पर नहीं है। ये जरूर है कि यहां पर कोई चीजों की तोड़फोड़ नहीं हुई, किसी संपत्ति का नुकसान नहीं हुआ। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो वहां पर कुछ महिलाएं बैठी हैं प्रदर्शनकारी, उनके ठीक आगे सेना खड़ी है। और कल जो एक दूसरे के साथ हिंसक झड़प में थे, कन्फ्रंटेशन हो रहा था, आज वो सब मिलजुल कर यहाँ पर बैठे हैं। दूसरी तरफ भी इन प्रदर्शनकारियों को यहाँ से हटाने की कोशिश पुलिस, सशस्त्र बल या सेना भी नहीं कर रही। हालांकि बीती रात कुछ कोशिशें हुई थी, लेकिन अब जाकर के आज सुबह अगर आप कुछ देख पाएंगे तो वो शांति और जितनी सबसे बड़ी संस्थाएं हैं जहां से देश चलता है, उन तमाम जगहों पर, क्योंकि ये कोई आवास नहीं, ये कोई बिल्डिंग नहीं, बल्कि अपने आप में एक संस्थाएं हैं। और अब इन जगहों पर अगर आप कुछ देखेंगे तो वो है प्रदर्शनकारियों का कब्जा। प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर की जो तस्वीर है उसमें बड़ी संख्या में जो कमांडो हैं उनको लगाया गया है, पुलिस है, सेना है, एयरफोर्स के जो जवान हैं, इन सबको लगाया गया है। वो इसलिए कि कानून व्यवस्था खराब ना हो। इसी सड़क पर जब मैं खड़ा था, ये एपिसेंटर था 13 जुलाई के प्रदर्शन का, आक्रामक भीड़ जो आ रही थी, एक तरफ से टीयर गैस चल रहे थे, हवा में गोलियां चलाई जा रही थी, ऊपर हेलीकॉप्टर घूम रहा था। आज सुबह यहां पर शांति है, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि ये शांति कितने मिनटों की है, क्योंकि रात भर प्रदर्शनकारी संसद की ओर स्पीकर के घर का घेराव करने की कोशिश कर रहे थे, झड़प चल रही थी। और चूंकि जो परिस्थितियां हैं जिसमें रानिल विक्रमसिंघे अंतरिम राष्ट्रपति बनाए गए हैं, लोगों में उसको लेकर रोष है, वो उनके खिलाफ हैं, और जाहिर है ऐसे में प्रदर्शन आगे भी चलता रहेगा। कोलंबो में प्रधानमंत्री कार्यालय के ठीक बाहर संजय कुमार के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक।